हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट, जहां हम बात करते हैं सिनेमा की दुनिया में चल रहे कुछ चर्चित मसलों पर। अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक सीरीज रिलीज हुई है, नाम है तांडव। पिछले महीने इस पॉलिटिकल ड्रामा का टीजर आया, तभी से हाइप बनने लगी। कास्ट ही इतनी भारी भरकम है कि किसे गिने और किसे छोड़े। पर आज हम तांडव की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे दुनिया भर में बने ऐसे पॉलिटिकल टीवी शोज और वेब सीरीज की जो एवरग्रीन है। कुछ क्लासिक्स हैं और कुछ फ्यूचर के क्लासिक्स, जहां देखने का मौका मिले पहली फुर्सत में देख डालिए। आपके लिए लिस्ट बनाई है हमारे साथी यमन ने, ताकि आपको घर बैठे पता चल जाए कि उम्दा कंटेंट है क्या। तो आइए बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स अमेरिका टू पार्टी सिस्टम राजनीति पर चलता है, यानी पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को दो पार्टियां डोमिनेट करती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। शो का मुख्य किरदार फ्रैंक अंडरवुड डेमोक्रेटिक पार्टी का सीनियर मेंबर है, सपने बहुत बड़े हैं, जहां है बस वहीं नहीं रहना चाहता। कुछ ऐसी ही ख्वाहिशें उसकी वाइफ क्लेयर की भी हैं। किससे कब और कैसे काम निकलवाना है, ये इन दोनों मियां बीवी को खूब अच्छे से आता है। पार्टी फ्रैंक को आगे नहीं आने देती, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाकर छोड़ देती है। फ्रैंक तिलमिला जाता है, अपनी वाइफ के साथ मिलकर प्लान बनाता है। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, पर अमेरिका की सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठेगा। 1 फरवरी 2013 को शुरू हुआ ये शो 6 सीजन्स तक चला। इसके सारे सीजन्स आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बॉडीगार्ड डेविड बर्ड की कहानी है, एक रिटायर्ड वॉर हीरो जो अब लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस में प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा है। एक दिन अपनी बहादुरी से ट्रेन में टेररिस्ट अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद उसे होम सेक्रेटरी जूलिया की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। डेविड अफगानिस्तान वॉर का हिस्सा था, जहां उसने अपने कई साथियों को मरते हुए देखा। इस बात से भी पूरी तरह वाकिफ है कि जूलिया उस वॉर के लिए जिम्मेदार थी। यही खुद को दो हिस्सों में बटा पाता है, ड्यूटी और व्यक्तिगत धारणा के बीच। किसे खुद पर हावी होने देगा, इसी जद्दोजहद पर आगे की कहानी है। 6 एपिसोड्स में बटे शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसका पहला सीजन 2018 में आया था। डेविड के रोल के लिए रिचर्ड मैडन को गोल्डन ग्लोब से भी सम्मानित किया गया था। बोर्गन, जिसका मतलब है किला या गढ़, डेनमार्क में क्रिश्चनबर्ग पैलेस है, जहां पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक ही जगह हैं। इसी पैलेस को आम बोलचाल की भाषा में बोर्गन कहा जाता है। कहानी है बिर्गिटे नायबॉर्ग की, एक माइनर पॉलिटिशियन। आगे ऐसा क्या होता है कि डेनमार्क की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, उसकी अपनी पार्टी और अपने लोग इस फैसले को कैसे अपनाते हैं, डेनमार्क के इंटरनेशनल रिलेशन पर इसका क्या असर पड़ता है, वहीं बिर्गिटे की पर्सनल लाइफ को कितना जूझना पड़ता है, यही शो के 3 सीजन्स में एक्सप्लोर करने को मिलेगा। शो को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। अगला नाम है एक पॉलिटिकल सटायर का, वीप। पॉलिटिक्स लोगों के लिए होती है, ऐसा कहने वाली अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट सेलेना मेयर। बस कहने वाली, मानने वाली बिल्कुल भी नहीं। सेलेना पहले एक सेनेटर थी, वाइस प्रेसिडेंट बनने पर एक बात समझ आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे सपने देखे थे। पब्लिक और पर्सनल लाइफ बैलेंस बिगड़ने लगता है, खुद के स्टाफ में ही अनबन होने लगती है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चेक में रखते हुए इन सब बखेड़ों से कैसे डील करती हैं, ये शो इसी का प्लॉट है। बेसिकली शो में आपको वॉशिंगटन के बंद दरवाजों के पीछे क्या चलता है, उस सब की झलक देखने को मिलेगी, पर एक कॉमेडी के फॉर्म में। इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। के आउटर यमुना पार थाने का इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी कहानी का मुख्य किरदार है। जहां रहता है उस जगह को पाताल लोक मानता है, क्योंकि स्वर्ग लोक तो लुटियंस दिल्ली है। दिल्ली के जाने माने जर्नलिस्ट पर हमला होता है, जर्नलिस्ट बच जाता है, हमलावर पकड़े जाते हैं, हाथीराम इस केस पर लग जाता है खुद को साबित करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए। पर जल्द ही समझ जाता है कि ऊपर से ओपन एंड शट लगने वाला ये केस दलदल की तरह गहरा है। कौन कौन इसमें शामिल है और उनका एजेंडा क्या है, यही हाथीराम और ऑडियंस के होश उड़ा देता है। वैरायटी मैगजीन ने इसे पिछले साल के बेस्ट इंटरनेशनल शोज में शुमार किया था। इसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अ फ्यू
फ्यू गुड मैन, द सोशल नेटवर्क और स्टीव जॉब्स जैसी फिल्में लिखने वाले एरन सोरकिन के दिमाग के ऊपर। 7 सीजन में पहला शो, पहला एपिसोड एयर हुआ 22 सितंबर 1999 को और आखिरी 14 मई 2006 को। इंटरनेट पर कभी भी बेस्ट पॉलिटिकल शो सर्च करें और वेस्ट विंग दिखाई ना दे, ऐसा संभव नहीं। कहानी है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां बेवकूफ और बेवकूफियों के लिए कोई जगह नहीं। इस दौरान उसके और उसके स्टाफ के हिस्से क्या क्या स्कैंडल और खतरे आते हैं, ये पॉलिटिकल ड्रामा उसी की कहानी है। टाइम एम्पायर और रोलिंग स्टोन जैसी मैगजीन्स ने इसे अब तक बने बेस्ट टेलीविजन शोज में गिना है। अब सवाल है कि इसे देखे कहाँ। मसला है कि ये आसानी से मिलेगा नहीं, फिर भी आप इसे stand.com.au पर देख सकते हैं, बस मेंबरशिप लेनी होगी। कहानी फ्यूचर में सेट है। रूस नॉर्वे पर कब्जा कर लेता है और ऐसा करता है यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पर। कारण है कि नॉर्वे में नई सरकार इलेक्ट हुई है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस्म की सरकार। इसने आते ही एक मेजर ऑयल और गैस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। इसी वक्त यूरोप में एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ जाता है, जिसकी पूर्ति नॉर्वे के इस प्रोडक्शन से हो सकती है। काफी हद तक नॉर्वे की नई सरकार इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करती है, उसी की कहानी बताता है ये पॉलिटिकल थ्रिलर। 3 सीजन्स में बटे शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। साल कैद में रहने के बाद 4 इजरायली सैनिक अपने देश लौटते हैं, जहां अब उन्हें नेशनल हीरो का दर्जा दिया जा चुका है। इतने सालों के ट्रॉमा को पीछे छोड़ना चाहते हैं, जैसे भी हो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस ट्रॉमा से उभरने के लिए उन्हें मिलिट्री की ओर से एक मनोवैज्ञानिक असाइन होता है। इनसे अपने अनुभव पर बात करने को कहता है। पता है कि तीनों की कहानी के वर्जन अलग अलग हैं। शक जताता है कि कुछ तो है जो ये तीनों छुपा रहे हैं। यही पता करने के लिए जांच शुरू होती है। आगे क्या सामने आता है वो शो देखकर ही पता चलेगा। शो अभी इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम नहीं हो रहा है। अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल थ्रिलर सीक्रेट सिटी। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्तों में तनाव चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन सरकार इसे अपने तरीके से हैंडल कर रही है, कम से कम जनता को यही भरोसा दिलाया गया है। पर एक जर्नलिस्ट हैरियट को कुछ खटकता है, लगने लगता है कि मामला कुछ और है। सरकार ये सारा ढोंग कुछ छुपाने के लिए कर रही है। कुछ ऐसा जो सामने आया तो उसकी और सारे ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों की आज़ादी को खतरे में डाल देगा। हैरियट सच्चाई की तह तक कैसे पहुंचेगी और अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या कर पाएगी, यही शो के 2 सीजन्स की कहानी है। शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। द गुड वाइफ शुरू होता है पीटर से, अमेरिका का हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन। अपने एक पब्लिक सेक्स स्कैंडल और करप्शन के केस के चलते जेल पहुंच जाता है। अब जिम्मेदारी आती है उसकी बीवी एलिशिया पर, अपने करियर को रीस्टार्ट करने की, अपनी फैमिली का बैकबोन बनने की। शो के क्रिएटर्स मिशेल और रॉबर्ट को प्रेरणा मिली बिल क्लिंटन और सीनेटर जॉन एडवर्ड्स के स्कैंडल से, जहां पति ने पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती कबूली और इस दौरान भी इनकी पत्नियां इनके पीछे खड़ी थीं। दोनों को जिज्ञासा हुई कि पति के ऐसा करने के बावजूद पत्नियां इनका साथ क्यों दे रही थीं, क्यों इन्होंने अपना करियर को पीछे छोड़ अपने पतियों के राजनीतिक अरमानों को अपना सपना बना लिया। बस इस शो का बेसिक आइडिया यही है, जिसके 7 सीजन्स आप वूट पर देख सकते हैं। नौ सीजन्स, हर एक में 24 एपिसोड्स। हर सीजन है 24 घंटों की कहानी। ऊपर से हर एपिसोड रियल टाइम में चलता है, यानी किरदारों का 1 घंटा और आपका 1 घंटा सेम है। यही कारण है कि शो के दौरान आपको घड़ी टिक टिक करती हुई दिखेगी। शो का मुख्य किरदार है जैक बावर, अमेरिका की काउंटर टेररिस्ट यूनिट का मेंबर। इस यूनिट का एक ही काम है, अमेरिका की धरती पे टेररिस्ट अटैक को रोकना। जैक वक्त के साथ रेस लगाता है, कई बार टेररिस्ट अटैक रोकने के लिए तो कई बार अपनी फैमिली पर आई मुसीबत टालने के लिए। वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ अटैक्स भी बदलते हैं, मेजर साइबर अटैक, राष्ट्रपति उम्मीदवार पर हमला, तो कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की शक्ल लेते हैं। शो के सारे सीजन्स आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। साल 2013 में इसी नाम से आया अनिल कपूर का शो इसका ऑफिशियल रीमेक था। शो की टैगलाइन थी, क्या एक मासूम को मारकर अपने परिवार को बचाओगे। सुनने में बड़ी आसान चॉइस लगती है, पर है नहीं। डॉक्टर मीरा को एक रूटीन ऑपरेशन करना है, चीफ मिनिस्टर का ऑपरेशन। उसी से एक रात पहले कहानी में ट्विस्ट आता है।
जब चार नकाबपोश मीरा के घर में घुस जाते हैं, पूरी फैमिली को बंदूक की नोक पे हॉस्टेज बना लेते हैं। मीरा को एक चॉइस देते हैं, सीएम को मार दो और अपने परिवार को बचा लो। अब मीरा क्या करती है, यही आगे का सस्पेंस है। शो का पहला सीजन सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था, जो हजारों ख्वाहिशें ऐसी और चमेली जैसी फिल्में बना चुके हैं। शो के दोनों सीजन आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ये एक 80 के दशक की कहानी है, जब जर्मनी दो हिस्सों में बटा था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। बीच में थी बर्लिन की दीवार। वो दौर ऐसा था कि ईस्ट जर्मनी सोवियत संघ के अंडर आता था, वहीं वेस्ट जर्मनी ब्रिटिश, अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी के अंडर पड़ता था। ईस्ट के नियम बड़े सख्त थे, छोटी सी बात पे बड़ी सजा हो जाती थी, विचारों की अभिव्यक्ति पर रोक टोक थी। यही कारण है कि लोग ईस्ट से भागकर वेस्ट में रहने आ जाते थे। शो की कहानी शुरू होती है मार्टिन राज से, ईस्ट जर्मनी का नागरिक। उसे अंडरकवर स्पाई बनाकर वेस्ट भेजा जाता है, ताकि वहां के इंटेलिजेंस की रग रग से वाकिफ हो सके। मार्टिन का यही पूरा अनुभव सीजन 1 को कवर करता है। इसके बाद 80 के दशक पर ही बेस सीजन 2 और 3 भी आए। तीनों सीजन आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। द अमेरिकन्स फिलिप और एलिजाबेथ की कहानी है। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में रहने वाला एक टिपिकल कपल। शादी को 20 साल हो गए, दो बच्चे भी हैं, साथ मिलकर एक ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं। कुल मिलाकर लाइफ सही है, पर जो आंखों को दिखे वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ भी ऐसा ही केस है। दोनों असल में रशियन जासूस हैं, जिन्हें 20 साल पहले अमेरिका भेजा गया था। अब चल रहा है 80 का दशक, जब अमेरिका और रूस के बीच की कोल्ड वॉर चरम पर है। अमेरिका अपनी धरती पर छुपे जासूसों को ढूंढ रहा है। दोनों इस बात से बेखबर हैं कि इन्हीं के पड़ोसी को रशियन जासूसों को पकड़ने का काम सौंपा गया है। शो सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक और चीज़ एक्सप्लोर करता है, दोनों देशों के जासूसों की धारणाएं और उनसे पैदा होने वाला मतभेद, कौन कितना सही है और कौन कितना गलत। शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ओलिविया पोप एक क्राइसिस मैनेजमेंट फर्म चलाती हैं, यानी पेशे से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, और सॉल्व भी ऐसे करती हैं कि किसी को मालूम भी ना चले सच में प्रॉब्लम थी क्या। ओलिविया के क्लाइंट्स में बड़े बड़े नाम हैं, पैसे वाले पावरफुल लोगों से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट तक। पर अगर दूसरों के दाग साफ करने हैं तो खुद के हाथ तो गंदे होंगे ही। ओलिविया और उसकी टीम की जिंदगी दूसरों की प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ना शुरू हो जाता है, इतना कि धीरे धीरे सबके लिए सही और गलत की लाइन धुंधली होने लगती है। शो अभी इंडिया में उपलब्ध नहीं है, पर आगे फ्यूचर में जब भी होता है बिना ज्यादा सोचे समझे देख डालिए। दूरदर्शन के गोल्डन पीरियड में प्रसारित होने वाला शो, क्या एक्टिंग, क्या डायरेक्शन और क्या राइटिंग, एकदम कमाल। इसे डायरेक्ट किया लेजेंडरी डायरेक्टर बासु चटर्जी ने। बासु दा ने कई कमाल की फिल्में भी बनाई, रजनीगंधा, चमेली की शादी, चितचोर, सारा आकाश, उन्हीं में से कुछ नाम है। शो एक पॉलिटिकल सटायर था, जहां ओमपुरी साहब ने एक नेता का किरदार निभाया था, दांत फाड़ फाड़ कर हंसने वाला धूर्त किस्म का नेता, जिसकी हरकतें देखकर आपको खुंदक चढ़ेगी और हाव भाव देखकर हंसी आएगी। ये मनोहर श्याम जोशी की किताब नेताजी कहीं पर आधारित था। वहीं मनोहर श्याम जोशी, जिनकी कलम ने भारत को उसका पहला धारावाहिक हम लोग दिया और साहित्य जगत को कुरु कुरु स्वाहा जैसी रचना। फिलहाल तो ये शो इंटरनेट पर नहीं है, इसे लिस्ट का हिस्सा बनाने का बस एक ही कारण था, हमारे अपने देश से निकले ऐसे शो को याद करना जिसने सटायर या कॉमेडी के नाम पे फुवरता नहीं परोसी। ऐसा शो जो 1988 में आने के बावजूद अपने समय से आगे था। बाकी ये शो जब भी किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जिम हैकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसकी पार्टी ने हाल ही में चुनाव जीता है। जिम का भी प्रमोशन होता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का मिनिस्टर बना दिया जाता है। वो अब अपने तरीके से काम करना चाहता है, पर डिपार्टमेंट हेड सर हम्फ्री को ये रास नहीं आता। जिम जिद्दी किस्म का इंसान है, तो वहीं हम्फ्री अपना काम निकालने में माहिर। दोनों की इस टक्कर में बीच वालों का क्या हाल होता है, यही इस सिटकॉम की कहानी है। 1980 से लेकर 1984 तक टेलीकास्ट होने वाले शो की पॉपुलैरिटी भयंकर थी, इतनी कि उस समय की इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर का भी ये फेवरेट शो था। यस मिनिस्टर Amazon Prime Video पर स्ट्रीम किया जा सकता है। BBC से परमिशन लेकर इसका हिंदी वर्जन भी बनाया गया, जिसका नाम था जी मंत्री जी, जहां जिम का किरदार निभाया था सदाबहार फारूक शेख ने
वहीं डिपार्टमेंट हेड हम्फ्री के किरदार में दिखे जयंत कृपलानी। कहानी ओरिजिनल शो के फुटप्रिंट्स पर ही चली, बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ चेंजेस किए गए। शो का पहला एपिसोड 26 अप्रैल 2001 को स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था। ये थी हमारी तरफ से तैयार की गई बेहतरीन पॉलिटिकल शोज और सीरीज की लिस्ट। एपिसोड की लिमिट लेंथ की वजह से दुनिया भर के सारे जबरदस्त शोज को जगह देना मुमकिन नहीं था, इसलिए जो नाम मिस हुए उनके लिए माफी। इनमें से जो शोज उपलब्ध हैं उन्हें जल्दी से देख डालिए। बताइए आपको कैसे लगे। रही बात उनकी जो अभी इंटरनेट पर नहीं है, वे जब भी जहां भी उपलब्ध होते हैं हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी खोज लाए थे हमारे साथी यमन। अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।